Assalamualaikum. I am Sharjeel Babar from Mentosh and welcome back to another episode of WordPress Website Development Training Series. आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने देखना है कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सेपरेट पेज को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस सेपरेट पेज के ऊपर हम अपनी पोस्ट, जितनी भी हम पोस्ट कर चुके हैं, वो उसको शो करवा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। पेज क्रिएट करने से पहले आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए आप WP एडमिन लिखेंगे अपने यूआरएल के ऊपर और यहाँ पर आप लॉगिन डिटेल्स देंगे जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान आपने दी थी। यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स एंटर करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको एक सेक्शन नजर आएगा, पेजेस का सेक्शन। आप वहां पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको दो सेक्शन नजर आएंगे, ऑल पेजेस के नाम से और एक एड न्यू के नाम से। ऑल पेजेस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस के पेजेस हैं वो नजर आएंगे। हमने यहाँ पर एड न्यू पेज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और एड न्यू के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं। मैं एड न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पर हमारे जितने भी पोस्ट हैं वो हमें शो हों। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लॉग का नाम दे देता हूँ, ब्लॉग पेज का एक नाम दे देता हूँ और मैं इस पेज को पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद अगर मैं इस पेज को व्यू करता हूँ तो व्यू करने के बाद आप देखें कि इस पेज के ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर अपना एक कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे जितने भी पोस्ट हैं वो हमें शो हों। तो सिंपली हम अपने यहाँ पर पोस्ट शो करवाने के लिए हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम अपने रीडिंग सेक्शन में जाएंगे। रीडिंग सेक्शन में जाने के बाद अभी बाय डिफॉल्ट कुछ लोग का लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्ट हुआ होगा तो लेटेस्ट पोस्ट को अनचेक करके आप स्टैटिक पेज सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर होम पेज हमारा सैम्पल पेज है और यहाँ पर पोस्ट पेज आप सिलेक्ट कर लें जो अभी हमने बनाया है ब्लॉग पेज के नाम से और यहाँ पर सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस करने के बाद अगर वेबसाइट को देखें, वेबसाइट का व्यू करें तो हमारा जिस तरह होम पेज था हमें वही शो हो रहा है, लेकिन अगर जब आप ब्लॉग पेज के ऊपर जाएं तो ब्लॉग पेज के ऊपर जितनी हमारी पोस्ट हैं वो हमें शो होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक फायदा है वर्डप्रेस का कि ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ों को खुद ही एडजस्ट करना शुरू कर देता है अपने मुताबिक के, मतलब वो इतनी अच्छी भी लगती हैं और वो खुद ही उन चीज़ों को एडजस्ट भी कर लेता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। हमने देखना था कि कैसे पेज को क्रिएट किया जाता है और कैसे उस पेज के ऊपर हम डिफरेंट पोस्ट को, जो हमारे ब्लॉगिंग पोस्ट है, हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।